हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारा भी हॉर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। गांव में हम अपना कपड़ा जब धोते हैं तो घर घर हॉर्स पे ही लेके जाते हैं कपड़े को। हॉर्स नहीं, वो गधे होते। हमको मालूम है, पर हमारा जो हॉर्स है वो एक नंबर का गधा ही है। हम एक बार उसको 100 रुपए का नोट दिए, बोले जाके चना खरीद के खा लेना। वो हमारा 100 रुपए का नोट ही खा गया। Eat my 100 rupees, that horse said, वो घोड़ा ही है, गधा कोई और है। गधा कौन है, हम तो देखे नहीं। मेरे मालूम है कप्पू है ना, किसको गधा बोला। ऐसा जोर का नाते हमको गधा बोल रहे हैं। आई विल टेल यू अबाउट हर। ये जो है हॉस्पिटल में काम करती है, वहां पे यू नो इंजेक्शन, ये अपना इंजेक्शन हॉस्पिटल से लेकर घर लेके आती है। छोटा छोटा बच्चे को पिचकारी बोल के बेचती है, लाइक पिचकारी, यू नो। मेरे प्रोफेशन के बारे में फालतू बातें करेंगे तो देख मैं क्या करते हैं। क्या करते हैं? मैं कह रहा ये लिट्टी है ना, उसको ऐसे इंजेक्शन से होल करके मेदू वड़े बनेगा, समझे ना। हम ऐसा चूड़िया नहीं पहने हैं, तुम्हारे मेदू वड़ा के अंदर सत्तू भर के हम उसको लिट्टी बना देंगे। जाड़िया जाड़िया नहीं गुड़िया, समाज को बुरा बना रहे हैं आप लोग, मत झगड़िए। ससुर का नाती, इधर जा। दो लेडीज का बातचीत चल रहा है, आप कहाँ बीच में क्यों आए हैं? समाज पे बुरा असर पड़ता है, अम्बी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सच कह रहा हूँ, के बर्दाश्त कर, निकल यहाँ से। दो जन अच्छा वाला झगड़ा कर रहे, तू बोल। ओ ये क्या हो गया? अरे भाई हाय ना, अभी मैं नर्स, नर्स जरा चेक करो, ठीक है। तुमने पाप किया है। हमने लोगों के कपड़ों में कभी सांप कभी केचुए डाल देती हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और वो पनिशमेंट है कूपी कुंभम। इसमें क्या होता है? खोलते हुए तेल में तला जाएगा। ठीक है, तल दीजिए हमें, हम डरते नहीं है, तल दीजिए। पूरी बात तो सुन मोटी। खोलते हुए तेल में तुम्हें नहीं, उस तेल में भजिया समोसा तला जाएगा। और तेरे सामने बैठ के मैं खाऊंगा। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, समोसा भुजी ऐसे करेगा। तू क्या हंसती है? तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। ये पाप है और इसकी सजा है जुअम बानरम। ये क्या होता है? पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकालने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मैं हर संडे उधर झाड़ पे बैठते ऐसी। कैक्टस के पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकाल। नहीं नहीं नहीं, कैक्टस का पेड़ पे ही हैज़ टू सीट। और तुम लोग क्यों झगड़ते हो? तुम्हारा डोसा अच्छा है, तुम्हारा लिट्टी अच्छा है, सब अच्छा है, ये जड़ है झगड़े की। हाँ तो हाँ हाँ, मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्या कर रहे हो? मैं भोजनम। लिट्टी को काई को हाथ लगाया, ये नहीं खाना। चटनी मिक्स कर दिया, सुने गेस्ट के लिए लेकर आए थे, काई को हाथ लगाया। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के किया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। मैं सच में मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए मैं, देखिए देखिए, हम आपको माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है। कौन सी मांग? ये वाली मांग। ये वाली मांग आपको भरनी होगी। क्या है कि आप हमें थोड़े पसंद आ गए हैं। नहीं नहीं, देखिए ये क्या बोल रही मोटी। यही यही तो हमको पसंद आ रहा है, ड्यूल पर्सनैलिटी, स्वीट एंड सॉल्टेड मिक्स। एक साथ हमको दो दो पति मिल जाएगा। आइए ना हमारे साथ, सात फेरे लेंगे, 3.5 ऐसे ले लेंगे, 3.5 ऐसे ले लेंगे। मुझे डांस कर,
इससे तो शादी हम ही करेंगे। अरे मुझे छोड़िए, मैंने कुछ मुझे छोड़ मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो चलो, चलो। इससे शादी हमको करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे शादी हम ही करेंगे। आइए आइए सर। दुखी हृदय के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि शोभिता जो है इनको आगे शूट पे जाना है। हमारा मन तो नहीं कर रहा है भेजने का, पर वहां पे भी आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शोभिता, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शूट। थैंक यू। बाकी के मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। आइए सर आप प्लीज। कार्थी सर के बारे में आप सब जानते हैं, इन्होंने बहुत एक्शन फिल्में की हैं, अब ये पीरियड फिल्म कर रहे हैं उसमें भी एक्शन कर रहे हैं। सर आप रोमांस करना नहीं चाहते या कोई है जो आपको करने नहीं दे रहा? वन फिल्म I did love story before marriage, became super hit. After marriage, I have not done any love story. And then my wife keeps saying, why do you want to do romance in every film? Why? You have to have women in the film. So then I did Kaidi. That became super hit, no heroine, no songs. She said, see, this only works for you. You do films without songs. कार्तिक सर खुद तो एक्टर हैं, इनके पापा जो है शिवा कुमार जी वो भी एक्टर हैं, इनके भाई सूर्या बड़े कमाल एक्टर हैं, उनकी वाइफ ज्योतिका भी एक्टर हैं, ये तो एक्टर हैं ही। कहने का मतलब ये है कि दे हैव ए स्मॉल यू नो शॉपिंग मॉल ऑफ एक्टर्स। कपिल जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आई जस्ट वांटेड टू नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड स्टफ, हाउ इज योर फिल्म स्विगितो कमिंग आउट? ओह या, ओह स्विगितो, ही इज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म वेयर देयर इज नो कॉमेडी। वाओ। Wow. He's a food delivery boy and he's a common man in a very serious role, and Nandita does directing, and I supposedly you've done very well. Very Thank you well. Vikram sir, aapki taraf se compliment aa raha hai, bahut badi baat hai. Yeah, my movie is going to Busan International. But how was it acting? Serious. Bahut maza aaya sir, maine first time is tarike ka role kiya. Wonderful. Director bahut kamaal hai basically. So you're going to be a singer and an actor and sir har jagah haath pair maar rahe hain jahan pe. Don't give us competition. Are sir. बा मुलायजा होशियार, म्यूजिक घराने से राजाओं के राजा। बेवकूफ है तू, पधार रहे हैं, पधार तू पधरने तो दे मुझे। अकेला ही पधरा ही जा रहा है, पधरा ही जा रहा है। खबरदार। बेवकूफ है तू, जाके कह देना हमारे राज्यसभा में ये मेरा कच्चा सुखाना है धूप में, ठीक है? और इसको ये ऐसे नहीं चलता, इसको थर्ड गियर में ऐसे डालना पड़ता है। चलो बेवकूफ। क्या बोला तू, क्या बोला? बेवकूफ। हम तुम्हारी इस बात से खुश हुए, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। वेरी गुड। और बोल देना राजा का हुक्म है कि ये कच्चा धूप में सुखा के निचोड़ना भी है, ठीक है राजा साहब? जाइए जाइए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं एक राजकुमार का सल्तनत हूँ, नहीं सल्तनत का राजकुमार हूँ। एक मिनट। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई, वेलकम। आप लोग की फिल्म का ट्रेलर देखा, सुपर्ब। थैंक यू, सुपर्ब, इट्स अमेजिंग, सो मच ऑफ एनर्जी एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। इतनी जोर से मुंह मत हिलाया करें, पिछली बार भी आपका मुंह नीचे गिर गया था। साहब मैं भी म्यूजिक का काफी जानकार हूँ। कोई जानकार नहीं है सर जी, ये सबसे मार खा चुके हैं, कुमार शानू, उदित नारायण, खुद आशा जी ने दो थप्पड़ मारे इनके पर से। आप रहमान साहब का नाम भूल गए, उन्होंने भी मारा। त्रिशा। मैं आपको म्यूजिक सुना सकता हूँ? ओके। तो कल एक सांप मेरे पास आ गया, ओए मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसने एकदम ऐसे करके वो टेढ़ा हो गया।
तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं उसके पास जाके मैं भी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो एक हार्ट बन गया। हार्ट त्रिशा, इट वॉज अ मोमेंट। ये जो सांप एक हुए ना, अभी आपको पता है मैं बहुत मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था इतने में, लेकिन उसका पति आ गया, हम लोग शक की निगाह से देखा, और जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहता है बताइए, ये कोई बात हुई? मैंने उसको समझाया भी, मैं कहा नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट हैविंग फन। सांप इतना गुस्से में, मैं उसको कह रहा हूँ सुन नहीं रचा, उसके कान नहीं थे ना तो सुना नहीं उसने, लेकिन उसने मेरे कान पकड़ लिए और ऐसा डसा कि फिर मैंने कहा जब छेद हो ही गए तो मैंने ये दलवाए दो। तो ये है, उसने जब आपको डसा, जहर नहीं चढ़ा आपको? तो ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म की स्टोरी सुना रहे थे। जयम जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। क्योंकि मैंने टार्जन मूवी देखी, आपका एक डायलॉग मेरे दिल को छू गया। कौन सा डायलॉग? मैं वो सो टच की 4-5 दिन तो मैं ही ऐसे घूमता रहा। As उस्ताद, I do a lot of shows as उस्ताद। तो मैं एक कबीले में गया, मैंने वहां जाके उनको गाना भी सुनाना चाह रहा था, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में मेरा पहले वेलकम किया, आते ही उन्होंने हु ऐसा करके मेरा स्वागत किया उन्होंने। अरे वो बोल रहे थे हु आर यू, ये पूछ रहे थे आपसे। हु हा हु क्या कह रहे होंगे, मेरी दूर की इंग्लिश कमजोर है, सुनाई कम देता है मुझे दूर से। तो मैं गया और वहां के कबीले के जो राजा थे वो मुझसे मिले, और उन्होंने आते ही अपना फरमाइश की और कहते कि न्यूम टक मारे। मैंने कहा साहब आपकी ये फरमाइश सराखों पर, मैंने फिर गाना वही उसी वक्त कंपोज किया, उनको सुनाया, मैं कहा न्यूम टक रे। तो मुझे लगा शायद खुशी के मारे मेरी कहीं से शादी करा देंगे, लेकिन मुझे तब पता चला जब उन्होंने मेरे को एक लकड़ी पे मेरे दोनों हाथ पर बांध के आग पे ऐसे ऐसे चलाना शुरू किया, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि कुछ गड़बड़ है। Then I came to know कि वो अपना बेसन सुखा रहे थे। बेसन नहीं सुखा रहे थे, आपको भून रहे थे वो। तो मैं भूनूंगा तो ही तो बेसन सूखेगा ना। तो वो मेरे को वहां भूनने लग गए। और पहले मुझे भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, क्योंकि शरीर ने सिर्फ पजामा जला था, लेकिन जब लौ चड्डी के अंदर गई ना तो मैंने कहा तब आप बोल बोल के थक गए होंगे, आपका गला दबा दूं? कब से बोली जा रहे हैं आप? यार मेरी मैं क्यों ना बोलूं साहब, क्यों ना बोलूं, मैं आया हूं, मैं इनके लिए कुछ संगीत भी तैयार करके लाया हूं, मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी बेसन वेसन लेके बैठे और लकड़ी वकड़ी मैंने मंगा रखी है और आग यहीं जल जाएगी, तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूं। Amazing actor, amazing, amazing. So cute. Oh, what energy, man. Energy. Super, Siddharth. Woo! Hey, give it up for him, yeah. Amazing. What a, oh my God. Vikram sir, मैंने सुना है आपने हाल ही में Twitter join किया है. Yeah. But अभी इतनी late क्यों? Phone में network नहीं आ रहा था पहले क्या? Very shy. I was in Instagram, then I was out for 4 years. Achha. That also I joined 1 month back, but after what you did here, I'm going to leave that again. I was, oh Lord, Superman and all that, I was, I think. I want to tell you one thing about Twitter. Twitter is very risky after a little bit whiskey. It's my personal experience. Oh. Shukriya. What a voice. और कुछ मुजरे पे आए हो? अच्छा आप सबको पता है ये फिल्म जो है चोल साम्राज्य के ऊपर है, उनकी राजा महाराजाओं की कहानी है, क्वीन का रोल कर रही हैं, राजा महाराजा का रोल कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि राजा महाराजाओं का दौर जो है वो वापस आना चाहिए और क्यों? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी सर। हेलो एवरीवन। हेलो सर।
हाय कपिल सर. हेलो सर. मैं निधीश चौबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वहाँ डीपी विप्र कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं. अच्छा जी, किस चीज के प्रोफेसर है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा जी, हमारा पंखा खराब हो गया है. वो अर्चना जी रखती है छोटा टेबल फैन ना सामने, वो चल नहीं रहा. चलिए सर, अच्छा यदि यहाँ मेरे को कुछ काम मिल जाएगा तो वहाँ से छोड़ के मैं यहीं आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इस शो में, और खासकर आपके सामने आज. शुक्रिया, बहुत सुपर, बहुत आई एम. शुक्रिया चौबे साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थैंक यू सर. और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जो राजा महाराजाओं का जो दौर था वो जरूर वापस आना चाहिए. क्यों सर? क्योंकि मैंने इतने सारे महल, सब जयपुर और सारे महल मैंने देखे, तो वहाँ की जो भव्यता, बड़े बड़े उनके सैकड़ों एकड़ में जो महल बने हुए हैं, और दीवाने खास, दीवाने आम, और बहुत सारे कमरे करीब 40-50. और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी राजाओं के लिए कि शादी करने की उनकी पूरी स्वतंत्रता थी उनको. कम से कम 25 से 30 महारानियां थी उनकी. वो इसीलिए होती थी, महल बड़े होते थे, मिलती नहीं थी एक बीवी. वो ढूंढते थे कहाँ कौन से कमरे में गई हैं. मन की बात आपकी अब सामने आई है. ये जो शादी, चौबे जी मन नहीं भरा आपका एक शादी से? मैडम प्रोफेसर साहब घर पे भी इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आज रट्टा मार के आए हैं. करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं. नहीं अब जैसे भी रहे, रानियां तो इनकी कई भी रहे, पट रानी तो एक ही रहेगी. चौबे साहब क्या कहेंगे, खुला निमंत्रण दिया है उन्होंने आपको कि कितनी भी रानियां रहे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं फ्री हो गया, मैं कहीं भड़ास निकालने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने मुझे फ्री कर दिया. ये भी इन्होंने ये कैमरा पे बोला, घर जाके मरोड़ेंगे आपका चौबे जी, वैसे बाजू फिर आपको पता चलेगा. शुक्रिया चौबे जी शो में आने के लिए, धन्यवाद. थैंक यू कपिल सर, थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त मित्र अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी जी मैडम. हेलो कपिल सर. नमस्कार जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो. हेलो एवरीवन. मैं आज ये जवाब सब मेरे जैसी खूबसूरत औरतों की तरफ से बोलना चाहूंगी. जी जी. हम लोगों के लिए ये वाला दौर अगर वापस आ जाए तो बहुत ही परेशानी वाला रहेगा. क्यों? मैं तो अपने पति को अच्छे से GPS के थ्रू ट्रैक करती रहती हूँ, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है, देर हो गई तो फोन लगा लेते हैं. ओह माय गॉड. और अगर पहले का दौर वापस आ गया तो युद्ध का बोल कर जाने कौन सा युद्ध लड़ने निकल जाएंगे. कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं होगा. तो सर अभी का जमाना सही है. आपके पति आ जाए आपके साथ? नहीं, पति को ट्रैक कर रही है अभी, कहाँ है इस वक्त वो. ट्रैक चेक कर लीजिए, किसी और ट्रैक पे ना चल रहे हो आज, आप इधर बैठी हुई हैं. शुक्रिया मैम, धन्यवाद शो में आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल, हाय एवरीवन. मैं मोनिका पांचाल मुंबई विले पार्ले से आई. जी मोनिका जी, स्वागत है आपका. मैं अपनी सास के साथ आई हूँ आज. ये आपकी सास है? हाँ. वाओ, आप तो दोनों बहने लग रही हो. वाओ सीरियसली? मैं आज बहू की तरफ से बोलने वाली हूँ. मुझे चाहिए कि जमाना वापस आए, क्योंकि राजा होता है उसकी रानी होती है, रानियों की बहुत सारी दासियां होती है. बस आजकल तो सास की एक ही तकलीफ होती है कि बहू कुछ काम नहीं करती है. हाँ. तो दासियां होगी तो सब सास का काम करेगी और बहू आराम करेगी. आपकी सास तो पूरी उफ, क्या बात है. मोनिका की सास, एक बात बताओ आप. यस. आप तो इतनी छोटी सी हैं, बेटे की शादी भी कर दी, सास भी बन गई. हाओ 2 साल हो गया बेटी की शादी को. अच्छा जी. वाओ, अभी टाइम निकाल के अपनी भी कर डालो. पर अच्छा लगा आप दोनों को साथ में देख के. सास बहू साथ में बैठी हुई हैं, बड़ी बात है. ओह, और बैठ के हंस रही हैं, ये और भी बहुत, क्या बात है. घर पे भी इतने प्रेम से रहती हैं कि टीवी के लिए हो रही है ये किस लिए? यस यस यस. अच्छा जी. मैं वर्किंग हूँ ना, तो मैं तो रहती नहीं हूँ, सैटरडे संडे ही मिलना होता है. तभी बनती बड़ा यार. शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हाय एवरीवन. हेलो कपिल जी. हेलो. मेरा नाम आरती है. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं गुजरात से हूँ. हाँ, तो 2 मिनट के लिए हम गरबा खेल सकते हैं क्या? आइए विक्रम सर, त्रिशा, कार्तिक सर, जयराम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए तो हैं, ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है. थैंक यू.
और आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. And thank you so much once again for coming. Thank you, thank sir. You, thank you, sir. Thank you, thank you, Kapil. Thank you for having us here. It's been such an honor. And we'd like to thank Mani sir and our producer, Subhash, for having us here with you all. Thank you so much. Thank you, Ashnagar. So nice. Thank you. और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे. Good night. शुभ रात्रि. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.